Someone was asking for recording, so I have put it on recording as well. Anyhow, मैं अभी तो आपके साथ सलीस उर्दू में बात करना चाहता हूँ ताकि किसी की भी वो जो है लैंग्वेज बैरियर की वजह से ऐसा ना हो कि कोई समझ ना पाए। तस्लीम फलक, वैसे बाकियों को तो आवाज आ रही है, मे बी आपकी तरफ कोई इशू होगा, मैंने भी सारा कुछ कनेक्ट तो करा हुआ है। ये जो हमारे पास ये एक मिसाल है, इस तरह यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में न सिर्फ हमने डिफाइनिंग फीचर याद रखने होते हैं कि एडवर्ब है क्या, बल्कि उसको पहचानना भी होता है। मैं अभी आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि पहले में फास्ट जो है वो एडवर्ब है, दूसरे में फास्ट वर्ब है और तीसरे में फास्ट एडजेक्टिव है। तो आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शक्ल से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आप याद कर लें कि फास्ट एडवर्ब है, वो जुमले में इस्तेमाल के लिहाज से देखा जाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको समझने से हम जुमले में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज एडजेक्टिव, वेदर इट इज एडवर्ब, वेदर इट इज नाउन और प्रोनाउन। तो एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतलका इस तरह की चीजें हैं जो हमारे पास वहां पे सामने आती हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी दो चीजें, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस और ये चीजें हो गई, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेक्शंस होती हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच करेक्ट इस्तेमाल किस जुमले में हुआ है। वो आपको चार जुमले दे देंगे, उसमें से एक को चूज करना होता है। करेक्शंस भी हो गई और बाकी उसकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है या उनका जो एनालिसिस है तो वो भी हमें इसमें हेल्प जो करता है। बाकी डेफिनेशन वगैरह इसलिए समझना जरूरी होती है ताकि वो अगर नॉलेज के तौर पे भी पूछे या एडजेक्टिव कोई टाइप जो पूछ ले, मसलन ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, तो इस तरह की चीजें इससे रिलेटेड हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ग्रामर के अंदर ना सेंटेंस करेक्शन होती है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मसला नहीं होता, वो जुमले का मसला होता है, वो स्ट्रक्चर का मसला होता है कि इस तरह जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हम कहते हैं कि आई विश, आई वॉज मैड या आई वर मैड। अब हमें आमतौर पर यही पता होता है कि आई के साथ वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, वर प्लूरल के साथ आता है। लेकिन इंग्लिश में चार जगह ऐसी हैं जहां पे वॉज नहीं आता, वर आता है। उनमें से एक ये है, काश वाले जुमले, हसरत वाले जुमले, जिनमें रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बरक्स हो, जो हम कह रहे हैं उससे बरक्स हो, यानी काश मैं पागल होता हूँ थोड़ी ना, ये तो हसरत है। तो आई विश आई वर मैड के अंदर हमारे पास यानी आई के साथ क्या आएगा, ये सेंटेंस का मसला है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट कैसे होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिससे सेंस बनती है जुमले की, जिससे बात वाजे होती है, जिसके दुरुस्त होने से जुमला दुरुस्त हो जाता है, गलत होने से जुमला गलत हो जाता है। तो आई विश आई वर मैट करेक्ट होगा। ये मैंने मिसाल दी है सिर्फ कि सेंटेंस की करेक्शन हमारे पास होती है। सेंटेंस करेक्शन के अंदर जैसे हमारे पास टेंसेज हैं, यानी वो एक सेंटेंस दे देता है और कहता है कि आप इसका पैसिव वॉइस बनाएं। पैसिव वॉइस कोई टेंसेज से अलग चीज नहीं होती, टेंसेज में ही एक्टिव वॉइस के भी जुमले बनते हैं और पैसिव वॉइस के जुमले भी बनते हैं। तो इसी के अंदर हम इसको एक्टिव वाइज को देख लेंगे और ये हम एक चार्ट बना के समझ सकते पूरा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि ना समझ आए, ये बाज बंदों का पैराडाइम है या सोचने का अंदाज है कि इंग्लिश हमें कभी समझ नहीं आई या नहीं आ सकती या टेंसेस ऊपर से चले जाते हैं, तो वो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से भी नहीं सीख पाते। बाकी प्रॉपर नेचुरल वे से एक्सपोजर मिले तो कोई भी आदमी समझ सकता है, वो कॉमन सेंस ही इस्तेमाल होती, उसमें कोई और साइंस तो नहीं है ना। तो टेंसेज में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हैं, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और चार ऑप्शन जो होती हैं उसमें वो जो उसके पैसिव वाइज होते हैं तो दुरुस्त पैसिव वाइज हमने चूज करना होता है। इसी तरीके से फिर हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी नरेशन है कि क्या बात को डायरेक्ट भी कहा जा सकता है, बात को इनडायरेक्ट भी कहा जा सकता है। इसका भी यानी इंग्लिश से ज्यादा सेंस के साथ ताल्लुक होता है, लेकिन वो रूल चूंकि अवेलेबल है तो लोग रूल को याद करके करना चाहते हैं बजाय ये कि वो अपनी सेंस डेवलप करें उसके बारे में। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, मिसाल के तौर मैं उर्दू में भी आप देखें ना, मैं अगर उसके डायरेक्ट वर्ड कोट करूं तो मैं कहूंगा अली ने कहा मैं आऊंगा, यानी अली जब अपनी बात कर रहा था तो वो मैं कह के कहेगा ना। जब मैं इनडायरेक्ट बयान करूंगा यानी मैं उसकी बात को अपने लफ्जों में कहूंगा कि अली कह रहा था कि वो आएगा, तो मैंने मैं को वो में कन्वर्ट कर दिया, यानी इस तरह
इंग्लिश ने कुछ वाज़े रूल बताए हुए हैं जो कि बड़े इजी हैं, कि वो कौन सा प्रोनाउन किस प्रोनाउन में चेंज होगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होगी, चेंज ऑफ टेंसेस कैसे होगी, या कुछ अदर वर्ड्स हैं। इसके लिए अच्छा मटेरियल हो तो ज्यादा आसान हो जाता है याद करना, छोटे छोटे बुकलेट हैं वो प्रैक्टिस के साथ आ जाते हैं। तो ये चंद चीजें हैं जिनका ताल्लुक हमारे पास ग्रामर के साथ है। ग्रामर एक बड़ी वाइड टर्म है जिसके अंदर बहुत कुछ आता है। सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ तो वो रूल्स हैं, चाहे वो लफ्जों के हों चाहे वो जुमलों के हों। रूल्स वैसे साउंड के भी होते हैं लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं पेपर में आता। रूल्स मीनिंग के भी होते हैं लेकिन ऐसा भी कोई सवाल नहीं आता। तो हमारे यहाँ जो रूल पूछे जाते हैं आमतौर पे वो ग्रामेटिकल लेवल पे होते हैं या फिर वो एक वर्ड के लेवल पे होते हैं। मैं अगर इसके दरमियान में एक लाइन पुट कर दूं और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस नजर से देखना है, सेंटेंस करेक्शन आ गई, टेंसेस आ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए। यहां तक कोई बात आप पूछना चाहें, ऐड करना चाहें या कमेंट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं साथ साथ। अच्छा, एक इनका ये सवाल है कि मैथ वालों को इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है। अच्छा लगता है ये सवाल मुझे सुन के। देखें, कोई पैदाइशी मैथ वाला या इंग्लिश वाला नहीं होता, वो उसका एक पर्टिकुलर एक्सपोजर होता है। मिसाल के तौर पे मैंने इंटर में मैथ पढ़ी हुई है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन या ये चीजें, या जो मैट्रिक में हमारे पास फार्मूले होते थे, ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनता है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, उस हद तक वो समझ आती थी, आगे फिर उसको लेके नहीं चले तो नहीं आती। ऐसे ही आपका चूंकि मेजर इंग्लिश नहीं होता तो वो मसला बनता है, लेकिन प्रॉपर एक्सपोजर लेने से ये चीजें बेहतर हो जाती है। मसलन मैंने साइकोलॉजी पहले कभी नहीं पढ़ी, मैं अपने एमफिल है मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, जो रिसर्च भी करवाता हूँ, थीसिस भी सुपरवाइज में करता हूँ, एमडी कैट टी कैट भी पढ़ाता हूँ, बट उसके साथ साथ मैं साइकोलॉजी में भी स्टडी कर रहा हूँ, बाकायदा डिग्री अवार्डिंग कोर्स कर रहा हूँ। लेकिन तो साइकोलॉजी को मैं जो बेसिक से समझना पड़ा, जैसे बायोलॉजी भी उसमें है, उसमें बहुत सारा कॉन्टेंट बायो का है, ब्रेन के पार्ट्स हैं तो हम समझ लेते हैं दोबारा से। तो उसके लिए जरा टाइम दें आप थोड़ी सी एनर्जी दें तो उसके बदले में आपको इंग्लिश मिल जाएगी। न सिर्फ ये ग्रामर बल्कि अगर स्पोकन भी कोई इम्प्रूव करना चाहे, इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी और एक्यूरेसी इन स्पीच, तो हम उसके बारे में भी एक सेशन रख के गाइडेंस और अवेयरनेस जो है वो ले सकते हैं। बाकी सुनना और बोलना खुद प्रैक्टिस से होता है। देन वोकेबलरी है। अच्छा, वोकेबलरी के बारे में ना सबसे दुखी बात यह है कि हमें कोई लिस्ट नहीं दी गई कि आपको ये 100 वर्ड दे रहे हैं आप याद कर लें, 1000 दे रहे हैं आप याद कर लें। इसमें दुश्वारी यह है कि आपके पास कोई लिस्ट नहीं है ऐसी कि आप ये 100 वर्ड याद कर लेंगे तो वोकेबलरी क्लियर हो जाएगी। हो सकता है आपने 200 याद किए हो, उनमें से एक भी ना आए। तो हमें जनरली वोकेबलरी बिल्ड करते रहना चाहिए ताकि हमारी वोकेबलरी इतनी अच्छी हो कि कॉमन वर्ड जो भी बोलते हैं वो हम अंडरस्टैंड कर पाए। अब वोकेबलरी बिल्ड करने के तरीके ये हैं कि या तो आप रीडिंग करते हो इंग्लिश में कुछ तो आपकी वोकेबलरी बढ़ती रहती है, या फिर आप लिसनिंग करते हो तो वोकेबलरी बढ़ती रहती है। हम लेक्चर भी करेंगे वोकेबलरी पे, उसमें भी हम लिमिटेड हद तक जरूर सीख पाएंगे। अब मिसाल के तौर पे एक वर्ड को जब हम अपने आप से रिलेट कर लेते हैं, यानी बहुत सारे लफ्जों को याद रखने के तरीके हैं, निमोनिक्स हैं, एक्रोनिम्स हैं। मैं आज टर्मिनोलॉजी में जाए बगैर आपसे आसान बात करूं तो वो लफ्ज जो आप याद रखना चाहते हो उन्हें अपने आप के साथ जोड़ें, एसोसिएट करें। हवा में लफ्ज नहीं याद रहते, वो भूल जाते हैं। नाम इसलिए याद रहते हैं कि नामों के साथ हमने बंदे जोड़े हुए हैं, हमने ताल्लुक जोड़ा हुआ है। कुछ चीजें इसलिए याद रहती है कि उनके साथ हमारी यादें होती हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जिद्दी को हम स्टबन कहते हैं या शोखे को हम सनेजी बोलते हैं। जब हम इसको रिलेट करेंगे अपने आप के साथ या किसी और के साथ, या मेरा फलां रिश्तेदार बड़ा स्टबन है, तो स्टबन उसको शक्ल देखते स्टबन याद आ जाएगा और स्टबन देखते वो बंदा याद आ जाएगा। साइकोलॉजी और अंग्रेजी दोनों को चूंकि पढ़ता हूँ तो मैं एक बात इन दोनों को समझने के बाद आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जिन चीजों को याद रखना होता है उनके साथ ताल्लुक बिल्ड करें। देयर शुड बी सम एसोसिएशन बिटवीन दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड यू यूर सेल्फ। तो इस दोनों के दरमियान एक लिंक हो, एक एसोसिएशन हो, एक कनेक्शन होना चाहिए, फिर इनको याद रखना बहुत आसान होता है। और कनेक्शन और ताल्लुक एक्सपोजर से बड़ा जल्दी बन जाता है। मसलन आप इंग्लिश के लेक्चर्स में कुछ अरसा बैठेंगे तो वो जौक भी पैदा हो जाता है, इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है। तो इस तरह कई चीजों का इंटरेस्ट नहीं होता जो इनिशियल इनपुट के बाद जो है वो डेवलप हो जाता है।
सो वोकेबलरी के बारे में यानी दो तरह की वहां पे वोकेबलरी पेपर्स में देखी गई है। एक ये है कि सिनोनिम, यानी आपको एक वर्ड देंगे और वो बोलेंगे कि आप इसका सिनोनिम लिखें। चार ऑप्शंस दी गई होंगी, उसमें से एक चूज करना होगा, और लिखने से मुराद मेरा यही है कि आप उसमें से चूज करेंगे। तो सिनोनिम्स, अच्छा सिनोनिम्स मतलब कैसे आते हैं उसकी एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें भी काफी वोकेबलरी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे वो एक वर्ड देते हैं एलिनेशन, चार ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। मिसाल के तौर पे जी ऑप्शन नंबर 1 उन्होंने दे दी है डार्कनेस, ऑप्शन नंबर 2 उन्होंने दे दी है इफेक्टिवनेस, ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने दे दी है आइसोलेशन, और ऑप्शन नंबर 4 उन्होंने दे दी है ओमिशन। अच्छा अब चार ऑप्शन है। एलिनेशन का मतलब है तनाई। आपने सिनोनिम में उसी के सिमिलर वर्ड है जो देखना है, डार्कनेस तनाई और अंधेरा, यानी ये उसका सिनोनिम नहीं है। तना रहने वाला अंधेरा पसंद तो कर सकता है लेकिन वो उसका सिनोनिम थोड़ी ना है। इफेक्टिवनेस होता है तासीर जिसमें हो, वो भी नहीं है। आइसोलेशन होती है तन्हाई, और ओमिशन होता है किसी चीज को निकाल देना, ओमिट कर देना। तो एलिनेशन का जो सिनोनिम है हमारे पास वो है आइसोलेशन, यानी तन्हाई, ये भी तन्हाई है और ये भी तन्हाई है, और दोनों तन्हाई 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 दोनों को पास ले आए, तो ये दोनों जो है ये इकट्ठे हो गए, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह हमारे पास जो है वो सिनोनिम्स है वो आ जाएंगे। फिर हमारे पास एंटोनिम्स आएंगे। आपने उर्दू में सुना होगा मुतजाद के बारे में, मुतजाद वर्ड क्या होते हैं। तो एंटोनिम्स जो हैं वो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो अब तो जो वोकेबलरी है उसको दो हवालों से प्रिपेयर करना है। मिसाल के तौर पे एंटोनिम्स में हम ये देखते हैं कि वो एक वर्ड दे देगा और हमने उसका जो अपोजिट है चार ऑप्शंस में से उसको उठाना होगा। मिसाल के तौर पे सिंपल सी मिसाल है, जैसे हम वाइट को ऑपोजिट ब्लैक में लेते हैं, या इंटेलिजेंट का ऑपोजिट जो है वो हम लेते हैं। तो इस तरह करके हम इन बातों को भी रिलेट कर सकते हैं। मैं बस थोड़ी देर में आपको अनम्यूट करके आपकी बात सुनता हूँ। इसके लिए फिर हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो रिपीटेडली इन पेपर्स में आते हैं, उनकी कलेक्शन है हमारे पास। फिर बहुत सारी बुक्स ने, इंटरनेट ने मटेरियल डेवलप किया हुआ है जो मुख्तलिफ एग्जाम्स में वर्ड रिपीटेडली यूज होते हैं। जैसे मैंने एम डी कैट पढ़ाया ना, तो उन्होंने वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है। अगर आप लोग भी एफ एस सी के बाद आपने डॉक्टर बनने की ट्राई की होगी तो आपने एम डी कैट में एक लिस्ट देखी होगी वर्ड्स की। तो वो वर्ड्स भी अभी आमतौर पर कराए जाते हैं तैयारी के लिए। इसी तरह मतलब और भी इसके तरीके हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को तैयार किया जाए। एक एनोलॉजी का भी सवाल है, कुछ एग्जाम में आता है, वो हम उसको पे अलग बात कर लेंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का एक आता है एमसीक्यूज, मैंने इन एग्जाम्स में देखा। कॉम्प्रिहेंशन बहुत सबसे आसान सवाल ये होता है, बस ये है कि इंग्लिश में बात समझ आ जाए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी बात को सुनकर समझना या किसी बात को पढ़कर समझना। वो आपको तीन लाइंस देंगे, उसमें एक स्टोरी या एक वाकया या एक बात लिखी होगी, फिर उसमें से एक एमसीक्यूज बना के पूछेंगे। आपने ऊपर वाले पैरा को पढ़ के नीचे वाले एमसीक्यूज के जवाब देना होगा। ऐसी चीज आपने मैट्रिक में भी की होगी। मुझे कंफर्म नहीं है कि आपकी बीएससी की जो इंग्लिश है उसमें कॉम्प्रिहेंशन है कि नहीं, अगर है तो वो तो बड़ा रिफ्रेश एक एक्सपीरियंस होता है आपका। तो वो दो तीन लाइंस में बस वो एक कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और उस पर एमसीक्यूज बना लेते हैं कि ऊपर पढ़ के बताएं नीचे ये क्या हो रहा है। तो ये तीन डोमेन्स हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है। टीचर का इसमें ज्यादा एरिया होता है, इस हिस्से में टीचर का जो रोल है ना, जिसमें इसमें आपको उसकी जरूरत होती है, वो ये है। ये वो एरिया है जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, जिसमें आपको समझ चाहिए, जिसमें रट्टा नहीं चाहिए। वोकेबलरी चले यानी एक हद तक ऐसा है कि वोकेबलरी आप कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए तैयारी वोकेबलरी की। वो आपकी खुद से रीडिंग करने से, लिसनिंग से, प्रैक्टिस करने से, एमसीक्यूज की बहुत सारे न्यू वर्ड्स को इंटरनेट से एक्सप्लोर करने से या वो करने से भी आता है। सायरा जफर कह रही थी कि क्या ये
प्रेसी से रिलेटेड होता है। नहीं, प्रेसी बनाने को नहीं दी जाती, प्रेसी ये होती है कि आप एक पैसेज को पढ़ के अपने वर्ड्स में लिखते हैं उसको, मतलब 9 लाइंस हैं तो आप उसको 3 लाइंस में बंद कर देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इस तरह नहीं होती। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी ये अक्सर इकट्ठा सवाल आता है, इसलिए आपको ऐसा लगा है। कॉम्प्रिहेंशन ये होता है कि बस आप इसको पढ़ें, ये आपने 3 लाइंस पढ़ी हैं, अब इस पे एक सवाल आया है कि इस सवाल को पढ़ के ऊपर 3 लाइंस में से जवाब ढूंढ के दें। जैसे आपके चैप्टर आते थे ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा फिर आपसे सवाल किए गए, तो वो 2-3 लाइंस में इंफॉर्मेशन दे के सवाल पूछते हैं कि इसमें इसे जवाब ढूंढ के दें। वो ये चेक करते हैं कि आप कोई चीज रीड करके समझ पाए हैं कि नहीं। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अपने अंदर उतारना, एब्सॉर्ब कर लेना किसी चीज को। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए ऐसा सवाल दिया जाता है कि जिसको हम हायर कर रहे हैं वो रीडिंग करके समझ भी पाता है कि नहीं। मैं ऐसा तो नहीं है कि वो सवाल वो इंग्लिश भी चाहता है कि उसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके दी जाए, तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझ। हाँ देखिए, हर सब्जेक्ट का और डिसिप्लिन के अपने तकाजे होते हैं, वो हम उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें हमें वो करने पड़ते हैं, और पसंद किया जा सकता है, इतनी भी इंग्लिश भयानक चीज नहीं है। ये वो साइंस वाले को आती नहीं, बहुत सारे साइंस वाले अच्छे भी होते हैं इंग्लिश में। और कोई बात आप पूछना और कहना चाहें, आप कोई कमेंट भी करना चाहें, सजेशन देना चाहें, तो मैं सुनने की हद तक तो जरूर तैयार हूँ। जी महरीन, आपका हैंड रेज है अभी, मतलब इतनी गलती से करा हुआ है कि आपने खुद किया, अनम्यूट कीजिएगा, मैंने इधर से कर दिया। महरीन, इफ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग देन व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड। जी हफसा नूर, शाम सर, वालेकुम सलाम। जी बेटे, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि एंटोनिम्स एनोनिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक हमारे पास क्राइटेरिया नहीं होता कि वो कहाँ से उठाए जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली स्कूल लेवल की जो जॉब्स हैं उसमें सेकंड ईयर तक के जो चैप्टर वाइज अगर हम जो वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम्स और सेनोनिम्स को स्टडी कर लें तो अच्छा जो मैट्रिक का या इंटर का सिलेबस है वो इस्तेमाल की जा सकती है वोकेबुलरी, उससे भी ज्यादा जो लोग ये तैयारी कराते हैं या जो बड़े अरसों से करा रहे हैं वो एम टी कैट की वोकेबलरी को यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए ना। तो वो एम टी कैट ने एक वोकेबलरी की लिस्ट बनाई हुई है जो कि उन्होंने FSC के सिलेबस से बनाई है, तो इनिशियली उस ओके सर। वोकेबलरी को यूज किया जा सकता है। FSC वाली भी वोकेबलरी इतनी सिंपल और आसान नहीं है, और अच्छा है कि उसको यूज किया जाए। ऑलमोस्ट यूज के तमाम वर्ड उन चैप्टर्स में होते हैं, उस सिलेबस के अंदर होते हैं। इवन एलिनेशन आइसोलेशन दोनों वर्ड उधर ही हैं, वहां पे ही मैंने भी बिल्ड किए थे, ओके सर। तो वो भी कराया जा सकता है। मैं जो इंट्रो में बताना जो बोले टिप्स में, मैं ये लास्ट सेशन तक सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ शाम में ना, तो इस वजह से इन चीजों का भी एक्सपोजर होता है साथ में, तो वो अच्छा है। देखिए वोकेबलरी हम उस सोर्स से आसानी से बिल्ड कर पाते हैं जिसको हम आसानी से गो थ्रू कर पाए। कोई नावल ज्यादा पढ़ पाता है, कोई स्टोरीज पढ़ पाता है, वो उसको चाहिए कि वो उस सोर्स के थ्रू भी कर ले, बिकॉज वर्ड ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके यही नजर आने हमें ना, तो वो जिस भी सोर्स पे उसका हो। बाकी आपका सजेशन बहुत वैल्यूएबल है थैंक यू कि सर। आप उससे करें। जी मोस्ट वेलकम। जी मेरा ख्याल है कि इंट्रोडक्शन की हद तक ये ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में, मसलन पार्ट ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं तो हम एक टॉपिक रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और हम उसको डिटेल में लेके उसके रूल्स और उसके एग्जांपल्स उस वक्त तक करेंगे जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए, फिर हम उससे आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी ताहिर साहब है हमारे साथ मीटिंग में, लेट मी चेक इफ ही इज हियर और नॉट, लेट मी अनम्यूट हिम। जी सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है इस वक्त, कोई डिस्कशन है तो जी आप पूछ लें। कोई है तो जरूर बताएं, अब स्पेशल आप भी बैठे हैं और मैं भी आया हुआ हूं। तो प्रेपोजिशन, जी प्रेपोजिशन, नहीं प्रेपोजिशन रट्टा नहीं है, प्रेपोजिशन के अंदर भी सेंस होती है। मिसाल के तौर पे इन कहाँ लगेगा, मैं आपको प्रेपोजिशन, बल्कि बड़ा अच्छा सवाल याद कराया, अक्सर पेपर में ना MCQ सीधा आई प्रेपोजिशन को हुआ है। मिसाल के तौर पे देखें, एक होता है एग्री, तो एग्री विद भी होता है, एग्री ऑन भी होता है। अब हमें यह समझना है कि मैंने एग्री के साथ विद कब लगाना है और एग्री के साथ ऑन कब लगाना है।
जब आप किसी बंदे के साथ कर रहे हैं तो आप एग्री विद लगाते हैं, जब आप किसी बात पे कर रहे हैं तो आप एग्री ऑन लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आई अग्री विद यू, आप बंदे हैं ना। मिसाल के तौर पे आई अग्री ऑन दिस प्रपोजल, मैं इस पेशकश पे इत्तफाक करता हूँ। तो अब जो है उन्होंने ऑन लगाया। प्रेपोजिशन को हम इस तरह समझ सकते हैं, और प्रेपोजिशन वो आपके लिए करवा दूंगा वो टॉपिक्स जो मैं क्या अर्ज कर रहा था। हाँ, जो प्रेपोजिशन है जिस तरह ऑन है, एट है, का पता ही नहीं चलता। वो इसलिए नहीं पता चलता, वो उसका एक्सपोजर नहीं होता। ऑन और एट में भी हमारे पास इसका फर्क होता है। मिसाल के तौर पे जब बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ा हो तो हम कहते हैं ऑन द टेबल, और एट तब हम लगाते हैं जब कोई पॉइंट सिर्फ सरफेस पे टच कर रहा हो, पूरी चीज टच ना कर रही हो। ये हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, जब प्रेपोजिशन के टॉपिक पे बात करेंगे तो हम उसको ले लेंगे डिस्कशन के अंदर। प्रेपोजिशन बल्कि FSC के सिलेबस में बड़ी अच्छी बनी हुई है, और हर दो का ना डिफरेंस होता है, उसको हम जितना समझ सकें। बुक अगर आप रिकमेंड कराना चाहते हैं मुझे, वैसे किप्स की जो MDCAT की किताब है उसमें करेक्शन के एतबार से वो बहुत अच्छी है, वोकेबलरी में वो उस तरह से काम नहीं आएगा। पेयर ऑफ वर्ड का कोई अलग सवाल नहीं आता, idioms का नहीं आता, बस वो वोकेबलरी की सेंस में होता है कि एक वर्ड आपको दे दिया जाए और उसकी सेंस पूछी जाए सिनोनिम में या एंटोनिम में या मीनिंग के एतबार से, तो वो जनरली हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। और idiom तो वैसे ही प्यारे होते हैं हमें, मसलन वंस इन अ ब्लू मून जिसका मतलब है कभी कभार, तो अच्छा वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून, व्हाई शुड नॉट वी यूज इट, हमें वैसे ही इस्तेमाल करने चाहिए। आप वोकेबलरी के बारे में जुमला याद रखें, जिन वर्ड्स को आप याद रखना चाहते हैं आप उन्हें इस्तेमाल किया करें, आप उनके साथ ताल्लुक बना लें, आप उन्हें वैसे ही अपना लें, वो फिर आपके हो जाएंगे पक्के पक्के। बड़ा खूबसूरत जुमला है अहमद जवेद साहब का कि कोई समुंदर लफ्ज से ज्यादा गहरा नहीं होता, वो उसमें वैसे ही बड़ी गहराई होती है। बाकी हमने फिर कितना लफ्जों की गहराई को देख पाते हैं वो फिर हमारी अपनी सलाहियत है ना। तो इनशाला फिर ये टॉपिक वाइज जब जाएंगे तो हम करते रहेंगे। ये वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का भी पोर्शन होता है। जी जी बिल्कुल होता है, जिसमें हमें कॉमन सेंस जुबा इस्तेमाल करनी होती है। जी, GRE की भी वर्ड लिस्ट है अपनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। लेकिन वो हमें ये इन टेस्ट में 2-3 वोकेबलरी आइटम सिर्फ आने होते हैं, तो वो इतनी वोकेबलरी को किसी भी इतने ज्यादा महाज पे ले जाके फिर संभालनी भी तो है ना, वो तो हम एक लिमिटेड लिस्ट को लेके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो हम एक लिस्ट बना के आपसे शेयर जो करेंगे, हम हर सेशन में 15-20 मिनट डिवोट करेंगे और 25-30 वर्ड को हम डिस्कशन में इंटरनलाइज कर लेंगे, तो उससे आपको वोकेबलरी पसंद भी आने लग जाएगी, वोकेबलरी का जौक भी पैदा होगा, और डिस्कशन से एक आपकी जो हो सकता है बहुत सारे वर्ड आपके अपने अनकॉन्शियस में हो, तो डिस्कशन के दौरान जो है वो सरफेस पे आ जाएंगे, वो आपके कॉन्शियस का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक हो गया जी, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। If anything else you want to ask, you can put it in comment box or chat room. इकरा हम एकदम साइन करनी है। ठीक है जी। So should चले ठीक है जी, आपका बड़ा अच्छा सेशन रहा। आप इन द एंड मैं आपको इस पे रिमार्क देता हूँ सारों को कि आप सारे अब इससे बखूबी वाकिफ भी हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, वोकैबुलरी है, इसी तरह हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, इसी तरह कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स हैं और जनरल नॉलेज। आप सारे अच्छी तरह अवेयर हैं कि इन चार चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी जिक्र किया था आप लोगों को, जब हम परसेंटेज देखते हैं कि हम में से कितने ही लोग हैं जो मास्टर्स करने के बाद लेक्चरर में फिट होते हैं, जब हम जॉब्स के हिसाब से उनकी परसेंटेज देखते हैं तो हम देखते हैं कि less than 1%। अब बाकी जो सारी वाम है वो कहाँ जाएगी? अब क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट में इतनी डेप्थ तक गए होते हैं, जैसे फर्ज करें अगर हमारा मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है, कि हम अपनी जॉब को फिर उसी की बेस पे ढूंढना चाहते हैं क्योंकि हमने बड़ा एक वक्त लगाया होता है उस पर। और फिर अदर ऑप्शन जब मैंने आप लोगों के लिए देखा है तो वो मुझे एजुकेटर का नजर आया, जहाँ हम अपने सब्जेक्ट से काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा के वो जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन इवन देन मैं ये फील करता हूँ और मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ और आपकी तवज्जो भी दिला रहा हूँ, और ये इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि आपके इसके बहुत सारे साइड बेनिफिट्स भी होंगे। आप देखें कि PPSC के थ्रू 16-17 ग्रेड की बहुत सारी जॉब्स आती हैं, आपने देखा होगा तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की,
और डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, डिप्टी रजिस्ट्रार की, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो हर साल आती रहती हैं। लेकिन जब हम उनका सिलेबस देखते हैं, उनका पेपर पैटर्न देखते हैं, तो फिर हमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट्स में इतने गुम होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि उसी के थ्रू हम अपनी जॉब में। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी एक्टिविटीज से आई होप सो कि भाई आपको काफी हद तक अवेयरनेस होगी और आपको दूसरी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी अवेल करने में काफी आसानी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं, और नेक्स्ट अब हम जनरल साइंस, एवरीडे साइंस के हमारे जो प्रोफेसर हैं, कल हो सम उनसे टाइम लेके इंशाल्लाह आपके साथ फिर एक सेशन करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।